कुछ बात होती है नए बरस में जो हमें शुरुआत से ही पुलक से भर देता है। नया साल, नई उम्मीदें, नए उमंगें लेकर और आशाओं भरा ये साल है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए खुशमय बीते। जिस तरह कोरोना महामारी से पिछला कुछ वक्त बीता है, उसके बाद इस साल से बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी। चलिए आशाओं के इस साल में शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं गायिका यशिता जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है चाय पे चर्चा के इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं, नया साल, नई खुशी और बहुत सारी उम्मीदें, हम सोचते हैं कि बहुत सारा हम कुछ कर लेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी चाहिए, एक एनर्जी चाहिए कि हम उसको पूरे साल भर अपने साथ कैरी कर सकें। कैसे रहें ऊर्जावान? जी बिल्कुल, जैसे कि नया साल शुरू हो गया है तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि सेल्फ मोटिवेशन, जिसको हम कहते हैं अपने अंदर मोटिवेट खुद को करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी लाइफ में। और जैसे कि हम शुरुआत कर ही रहे हैं नए साल की, तो आप सभी के साथ एक ब्लेसिंग सॉन्ग, कहते हैं कि अगर शुरुआत में ही ब्लेसिंग्स मिल जाएं तो हम पूरे साल ब्लेस्ड फील करते हैं। तो आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक ब्लेसिंग्स प्रेयर। देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ लव। देयर शैल बी सीजंस रिफ्रेशिंग, सेंट फ्रॉम द सेवियर अबव। Showers of blessing we need, mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need, mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Very nice. हम सब के लिए blessings बहुत ज़रूरी होती हैं और ये हमारे साथ रहेंगी शुरुआत में ही, ऐसा लगता है।
कहानी ये रास्ते लिखते जाए बस। चलिए अब हम, जैसे कि नया साल आया है, सभी समझते हैं कि कुछ संकल्प लेंगे जिन्हें हम ज़रूर पूरा करेंगे। इसे लेकर हम बहुत सोचने में लग जाते हैं कि हमें कौन कौन से संकल्प लेने हैं, और लेने के बाद कई जने ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को पूरा फॉलो नहीं कर पाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, कई लोग एक महीने में भी छोड़ देते हैं। संकल्पों को लेकर कैसे हम निभाएं? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है हमारी लाइफ में EQ का। जैसे एक हम टॉपिक पे आज बात करेंगे जो इनविजिबल है, इनअसेसिबल है, जो दिखाई भी नहीं देता और कई लोगों तक पहुंच नहीं पाता, वो है EQ। और उसी के साथ साथ डिप्रेशन, क्योंकि ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जी, आप डिप्रेशन वर्ड यूज़ कर रही हैं, और जैसे कि हम सब जानते हैं ये बहुत कॉमन हो गया है। आज जब किसी से भी बात करें तो नए साल पर तो चाहेंगे कि कोई भी डिप्रेस ना हो, ऑब्वियसली। तो किस तरह का तनाव आप समझती हैं कि हम लोग अपने आप ले लेते हैं, पाल लेते हैं? जी, बिकॉज यू नो डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल बैरियर है एक्चुअली, जो सेल्फ क्रिएटेड करते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं ना चाहते हुए भी एक्चुअली। क्योंकि होता यह है कि बचपन से हमें कभी भी स्कूल में या कहीं भी ये टॉपिक नहीं सिखाया गया कि EQ, कि इमोशंस, जो अपना इमोशन क्वेश्चन जो होता है, जो अपने इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो कैसे हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। आप कह रही हैं EQ और ये तनाव को दूर कर सकता है या फिर हमें एक सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम ठीक तरह से सोचें ताकि तनाव ना हो, किस तरह ये काम करता है? देखिए, होता यह है कि हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि जब हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है किसी से या फिर कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव सुनने मिलता है तो हम बहुत खुश रहते हैं। बट व्हाट हैपेंस अगर आप कुछ नेगेटिव सुन लेते हैं, अगर नेगेटिव कमेंट सुनते हैं या फिर सब आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक ऑटोमेटिक रिस्पांस जो होता है, एक वरी, एक चिंता में चले जाते हैं और अपने आप को हर्ट करने लग जाते हैं। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कंटिन्यूशन जो हर्ट होती है आपके अंदर, वो पेन में कन्वर्ट हो जाती है और आप अपने लिए सेल्फ डाउट्स क्रिएट करने लग जाते हैं। और जैसे ही सेल्फ डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ही
लो लेवल पे चला जाता है, उससे आप अनफोकस्ड हो जाते हैं, अनरिलैक्स्ड हो जाते हैं, हम लोग अपनी सारी जो चीज़ें क्वालिटीज़ होती हैं उन पे से ऑलमोस्ट इंटरेस्ट अपना छूट जाता है। तो इससे ये होता है कि आपका जो लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो आपका लो सेल्फ एस्टीम में क्रिएट हो जाता है। कहाँ रुके यशिता जी, कहाँ सोचना रुके हमारा। जी बिल्कुल, क्योंकि होता ये है कि कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमारा ज़रूरी होता है एक एक्शन करना, एक्शन लेना। उसके पहले आता है हमारे थॉट्स, और थॉट्स के पहले आते हैं हमारे इंटेंशंस जी, और इंटेंशंस के पहले आती है हमारी फीलिंग्स, क्योंकि सारा रोल ही डिपेंड होता है हमारी फीलिंग्स के ऊपर। बिल्कुल, और फीलिंग्स डिपेंड होती है कि हम क्या सुन रहे हैं और उस पर हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली उस टाइम पे लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी एक चॉइस है कि हमको इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना सोचे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, और ख़ास तौर पर नेगेटिव कोई अगर बात सुनते हैं जी तो हमें बुरा लगता है और हम रिएक्ट कर देते हैं। रुकना है हमें। और इस सब में जिन जिन चीज़ों का प्रभाव होता है उनमें म्यूज़िक का क्या रोल है? जी, म्यूज़िक का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि कहते हैं ना कि सिंपली जब कोई सैड फील करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, या तो कुछ अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनता है या फिर वो अपने पसंदीदा सॉन्ग पे डांस करता है। तो म्यूज़िक, तो आप कहते हैं कि जो म्यूज़िक का ओरिजिनेशन ही हुआ है ना, वो रोगों के उपचार के लिए ही हुआ है, क्योंकि जो हमारे स्वर हैं, 7 स्वरों का जो निर्माण हुआ है वो रोगों के उपचार के लिए हुआ है। तो म्यूज़िक तो आपको डायरेक्ट कहते हैं, एक जो नर्व पे जो इम्पैक्ट डालता है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है और बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। क्या कह सकते हैं कि अगर आप तनाव में हैं तो कुछ देर रुकिए और रिस्पॉन्स या रिएक्ट करने से पहले कुछ संगीत सुनिए, आपको जो पसंद हो। हाँ यस, तो आपसे बिल्कुल शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छा सूफी, आप भजन कह सकते हैं कव्वाली, जो हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी बड़ी पसंद है। ओ लाल मेरी पत रखियो बला, रखियो बला झूले लाल लेने, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल लेने, सिंधेड़ी दा सेवन दा सके शाबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, हो दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, ओ लाल मेरी। चार चराग तेरे भरण हमेशा, चार चराग तेरे भरण हमेशा, पंजवा में बारण अहियो बैला झूले लाल लेण, ओ पंजवा में बारण, हो पंजवा में बारण अहियो बैला झूले लाल लेण, सिंधड़ी सके शाबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, हो दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। लाल मेरी पत रखियो भला, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ सिंधड़ी दा ओ सेवन दा सकी शाबाज कलंदर, पक दमा दम मस्त कलंदर सकी लजपाल कलंदर, सेवानी लाल कलंदर दमा दम मस्त कलंदर, कलंदर शाह कलंदर, कलंदर मस्त, कलंदर मस्त, कलंदर मस्त, कलंदर मस्त, कलंदर मस्त, कलंदर।
दमादम मस्त कलंदर, सखी लजपाल कलंदर, सेवानी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर शाह कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर शाह कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। झनन झनन तेरी नौबत बाजे, झनन झनन तेरी, झनन झनन तेरी हो, झनन झनन तेरी नौबत बाजे, झनन 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 वाह, नई शुरुआत करनी हो या अपने जीवन को बेहतर बनाना हो तो ये पॉजिटिविटी बहुत काम आती है। किस तरह इस पॉजिटिविटी को बनाए रखें, बरकरार रखें? देखिए, सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको EQ जो है वो आपको हाई करना होगा, अपना उसको लेवल को बढ़ाना होगा। तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, क्या होता है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो उपाय करना होता है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होता है। और वो कैसे बढ़ता है? जब हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज हम बढ़ाएंगे। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? कि हम अपने ही अचीवमेंट्स को और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास कर सकें। होता यह है कि दूसरों की वजह से हम खुद को अफेक्ट इस हद तक कर लेते हैं कि अपनी ही क्वालिटीज़ पे से विश्वास खो बैठते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि अपने फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, वैल्यू करनी है अपने पहले के अचीवमेंट्स पे, और अपना जो इनबॉर्न टैलेंट है उसको उजागर करना है। हाँ बिल्कुल, और हमेशा ये नहीं सोचते रहना है कि कोई कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर पर्सन यूनिक है और उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो हमें ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव साइड देखें जी, उसी को निखारें। बिल्कुल, कौन कौन से प्रयत्न कर सकते हैं? देखिए, एक सबसे पहले ये बोलूँगी कि अपनी लाइफ को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हम लोग ले लेते हैं। क्या होता है कि जो भी हमारे सामने की चीज़ें होती हैं वो हमारी आंखें होते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं कई बार, कि क्या उसके आगे आउटकम्स होने वाले हैं, कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है क्या वो गलत है। ये डिपेंड करता है कि हम कितने सेल्फ अवेयर हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ इंडिपेंडेंसी और विल पावर, कि हमारे अंदर कितना विल पावर है। और जिसको बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस, वो चीज़ होती है कि एक ऐसी अपने अंदर शक्ति होना कि जो हमें ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो जैसे हम कहते हैं कि कभी भी आपको बहुत स्ट्रेसफुल है तो आप एक काम कीजिए कि आप स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, आप पीछे की तरफ चलना शुरू कीजिए। आप करके देखेंगे और आप ये पाएंगे कि जैसे ही आपने मूव, मतलब बैक स्टार्ट करा चलना, तो आपके जितने भी थॉट्स थे, चाहे वो रेलिवेंट चाहे इररेलीवेंट, वो सब ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं। जस्ट एक सिंगल थॉट रह जाता है कि हम गिर ना जाएं। तो इसीलिए जब कभी भी आप देख ही रहे हैं, जैसे आजकल सुसाइड केस कितने बढ़ते हैं, तो आंखें होते हुए भी वो ये नहीं देख पाते कि जो वो कमिट करने जा रहे हैं इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि लाइफ आपको एक ही मिली है, वो बहुत प्रीशियस है, लेकिन हम चाहते हुए भी उसको
नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हर चीज़ों के लिए। वही चीज़ अगर आप बैकवर्ड चलते हैं तो आप सारे थॉट्स को ऑटोमेटिकली डिसअपियर कर सकते हैं। बस इस थॉट का आप एक ही थॉट रह जाता है आपके दिमाग में कि मैं गिर ना जाऊँ। तो यशिता जी, अब देखिए बहुत कॉमन सी एक बात है कि हम बहुत सारे लोग मोबाइल पे बहुत सारी दुनिया बना करके रखते हैं, लेकिन यूं अकेले रह जाते हैं जी। इसी अकेलेपन पर कुछ और बातें करेंगे, लेकिन कुछ म्यूजिकल ब्रेक। या बिल्कुल ठीक है। यस, देखिए तनाव और स्ट्रेस सबकी लाइफ में आता है, इससे कोई नहीं बच सकता, ऑब्वियसली बात है। बस हमें क्या करना है, खुद को स्ट्रांग रखना है अंदर से, क्योंकि कहते हैं ना, विनर्स रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशंस बट फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, वेयर एज लूजर्स रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ बट फोकस ऑन देयर लिमिटेशंस। तो रोल इसमें सिर्फ चॉइस का है। तो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, ट्राई एवरीथिंग, कि अगर कई लोग गिरते हैं तो फिर से उठने की हिम्मत जरूर रखिए, क्योंकि हमें कभी भी छोड़ना नहीं है उस चीज को, नेवर गिव अप। हाँ, तो बस उसी से रिलेटेड एक गाना बहुत ही खूबसूरत है, ये सुनाती हूँ। I messed up tonight, I lost another fight, lost to myself but I'll just start again. I keep falling down, I keep on hitting the ground, I always get up now, see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, then I'll start again. No, I won't leave, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and I'll start again. No, I won't leave, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. Try everything. Try everything, try everything. Look how far you've come, you filled your heart with love. Baby, you've done enough, take a deep breath. Don't beat yourself up, no need to run so fast. Sometimes we come last, but we did our best. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, then I'll start again. No, I won't leave, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. Thank you. So, यशिता जी, वॉन्ट गिव अप एंड ट्राई एवरीथिंग, यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि है ना, कई बार हम लोग सोचते चलो जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब हम नई शुरुआत करेंगे और पूरे मन से काम करेंगे जी। तो आज जहाँ है उससे बेहतर जगह पर होंगे जी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स का व्यवहार भी हम पर इफेक्ट करता है डेफिनेटली। तो वो हम किस तरह से उससे निकलें? देखिए होता ही है ना, क्योंकि कई बार कोई जो स्ट्रेस होता है या कुछ होता है तो वो चाहता है कि वो किसी से शेयर कर सके, लेकिन वो जैसा रिस्पॉन्ड चाहता है जरूरी नहीं है उसको बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्ड मिले। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो जो लोगों के जो थॉट्स हैं और जो कह सकते हैं मेंटालिटी है डिप्रेशन के लिए बहुत ही मतलब लोग बात नहीं करना चाहते हैं, खुल के उसको सॉल्व आउट नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली लगता है कि कोई हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता है। तो ये हमारी जो मेंटालिटी है ना कि हम लोग रिलैक्स रहें, किसी को बात कहने के लिए थोड़ा सा मौका देखें या तरीका देखें तो भी शायद सुनेंगे। तो इन सब चीजों को मिला जुला इफेक्ट, यानी कि हमारा भी रोल क्या है और जो सुनते हैं उनका भी रोल क्या है। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करूंगी कि एक डिफरेंस होता है जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है और एक जो नेगेटिव पीपल होते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको कंबाइन कर देते हैं कि नहीं ये तो बहुत नेगेटिव हो गया या नेगेटिव हो गई है, लेकिन वो नेगेटिविटी नहीं होती है, वो एक जस्ट एक डिप्रेशन वाला फेज होता है। डिप्रेशन फेज क्या होता है, मैंने जब भी आपको क्लियर किया है कि हम वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिसमें हम अनरिलैक्स्ड हो जाते हैं, और कहते हैं ना कि जैसे ही वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है तो उससे आपकी ओवरऑल जो इम्पैक्ट होती है वो फिजिकल हेल्थ होती है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है कॉर्टिसोल हार्मोन का, वो प्रोड्यूस होता है बॉडी में, इसमें किसी और की गलती नहीं होती, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ स्ट्रेस। जब हम अनरिलैक्स्ड होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले वाले में बताया था कि कैसे वो हम लो लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो एक पूरी चेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो एक डिप्रेस्ड पर्सन होता है उसको एक मेंटल हेल्प और सपोर्ट चाहिए पड़ता है, बस और कुछ नहीं।
क्योंकि लोग इसको एक चीज से और कनेक्ट करते हैं. आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं अरे इसको तो सिंपैथी चाहिए. यस, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी. ये चीज मैं यहाँ पे अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि सिंपैथी मतलब हो गया कि ठीक है आप किसी से एक अपने लिए एक अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहते हो, कंफर्ट जोन, बिल्कुल. लेकिन एम्पैथी क्या होती है कि आप उसकी जगह पे जाकर उसके बारे में समझें, उसके लेवल पे आके उसकी फीलिंग्स को कदर करें, उसकी फीलिंग्स का वैल्यू करें, वो होती है एम्पैथी. यस यस, तो यहाँ पे इसी चीज का बहुत बड़ा रोल होता है, एम्पैथी एंड सिंपैथी का डिफरेंस. ये बहुत जरूरी होता है लोगों को समझना कहाँ जरूरी होती है सिंपैथी और कहाँ एम्पैथी. बिल्कुल, क्योंकि सिंपैथी तो हम कहते हैं एक नॉर्मल लाइफ जो हम नॉर्मली सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे हमारा स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड होता है. लेकिन जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो कहते हैं ना कि रियल लाइफ नहीं लगती है, हम अपनी ही दुनिया में घूमते हैं, एक डर के एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, बहुत फियरफुल हो जाते हैं. और ये सबसे होता यह है कि एक हम साइकोलॉजिकल प्रिजन में रहने लग जाते हैं. और इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है कि जैसे हम इल्यूजन्स क्या होते हैं, इनर डेमन्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि हम खुद अपने प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, हमारे माइंड में डेवलप होने लग जाते हैं, जो रियल नहीं होते हैं लेकिन हमें रियल लगने लग जाते हैं एक डिप्रेस्ड पर्सन को. डिप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, यही पे बोलना चाहूंगी, टीन्स के ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है क्योंकि उन्हें एक लेवल अचीव करना है जी, उसे लेकर आगे करियर बनाना है, हेल्दी रहें, फिट रहें, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे. बिल्कुल, उनके लिए भी कुछ सजेस्ट करिए. बिल्कुल, उनके लिए सबसे पहले उनको अपना एक जो कहते हैं ना कि जो उनको पसंद है वो वाला काम जरूर करना चाहिए. और एक वॉकिंग सबसे पहले में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वॉक, एक रेगुलर वॉक आप मेंटेन कीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए. प्लस उसको किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए भी कुछ वक्त देना चाहिए. बिल्कुल देना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है. और ये चीज का ध्यान रखिए कि जब कोई भी ना मिले आपकी सुनने की तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनना ही है. हाँ, आप अपने साथ खुद भी हैं. हाँ, ये कभी बिल्कुल ना उस टाइम पे आप ये ध्यान रखिए कि जिंदगी इट्स वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल एक्चुअली में, कि लाइफ बहुत खूबसूरत है और आपके जो एक एक जो कोशिश आप करते जा रहे हैं वो खुद सेल्फ मोटिवेशन के साथ जो जो भी आप कोशिश करते जाएंगे वो कभी एक दिन आपको जिंदगी गले जरूर लगाएगी. वाह, फिर ये गाना हो जाए. बिल्कुल. ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी. I love you, जिंदगी.
ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ला 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 ला, गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। वाह, नई शुरुआत होती है यशिता जी जनवरी के सुहाने मौसम के साथ, और हम टिल द ईयर एंड हम कहते रहें कि लव यू जिंदगी, ये किस तरह होगा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल होगा जब हम खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। मैं सबसे पहले आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आपने पूछा था कि क्या संकल्प लें,
और ये कैसे हो सकता है, तो उसके लिए यही है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो कि जब भी आपसे कोई हेल्प मांगे, वो चाहे मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ, तो आप उसके लिए तत्पर रहें, हमेशा उसकी सुने, उसको समझें, क्योंकि ये चीज़ें रियलिटी में होती हैं, ये कोई मजाक नहीं होता। और भी क्या बेहतर कर सकते हैं? और बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो वो हमें नहीं करना है, हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है स्पेशली, क्योंकि उस टाइम होता ये है कि लोग इतने तनाव में रहते हैं कि वो कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी बन जाते हैं, तो हमें उनको ये सब चीज़ें करने से रोकना है, क्योंकि उनकी जगह जाके हमें वही एम्पैथी जैसे मैंने बताया वो ध्यान में रखना है। बिल्कुल, तो सब मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। नए साल का जश्न सिर्फ जनवरी ही नहीं, साल के अंत तक बरकरार रहेगा और आने वाले पूरे समय तक बरकरार रहेगा। तो सुहानी, जनवरी में शुरू हुआ ये नए साल का बदलाव साल के अंत तक बरकरार रहेगा, इसे समझने के लिए क्या कुछ और मोटिवेशनल गाना आप हमारे साथ शेयर करेंगी? बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो चक दे इंडिया से है और हमारे सारे लिसनर्स को बहुत ही पसंदीदा गाना है, हेमा सरदाई जी सरदेसी जी ने गाया है, और जिसमें ये भी बताया गया है, आपने देखा होगा वो मूवी हॉकी का, उसमें बहुत बड़ा रोल है, और जिसमें एक जो मैसेज आता है वो भी यही है, नेवर गिव अप, जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल ना कर लें, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, कितने ही बैरियर्स आए, कितनी ही दिक्कतें आए, लेकिन आपका फोकस जो है वो आपके गोल पे होना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सुनाऊंगी। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों के कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छोटा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छोटा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, ये 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 ये। आसमां का स्वाद है, मुद्दतों की बात है, सहमा दिल धक धक करे, दिन है या ये रात है, आए तो मेहरबान क्यों हो गया बा खुदा क्या बात है, बादल पे पाँव है या छोटा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छोटा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
आने वाला कल भविष्य होता है और उसके डर, उसे हम डर की काले चश्मे से ना देखकर विश्वास करें कि जो आने वाला कल है वो अद्भुत ही होगा, तो उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके लिए एक उद्देश्य लेकर चलना होता है।
हमारे साथ हैं यशिता जैन। आप बहुत सुंदर गाती हैं, मीठा गाती हैं और बहुत अच्छी बातें हमें बता रही हैं। और श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि आगे देखना भी एक कला होती है, कि हम उसको उसी तरह से सोचें जैसा हम चाहते हैं करना या बनाना। इसे लेकर आप क्या कहती हैं यशिता जी? इसके लिए बहुत ही खूबसूरत एक कोटेशन है, वो आपसे शेयर करूँगी। जैसा कहते हैं ना कि जब बहुत अंधेरा हो जाए तो एक दीपक जला लो तो उजाला हो जाता है, तो इसीलिए एक कोटेशन आपसे शेयर करूँगी कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। टनल जो हमारे उदयपुर के पास भी है, तो देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। द क्वेश्चन इज व्हाट यू डू इन द टनल डिफरेंटली सो दैट व्हेन यू कम आउट यू आर द फर्स्ट टू सी द लाइट एंड बी अ विनर। और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक जैसे कि हमने डिफरेंट मोड्स के गाने सुने, एक फोक सॉन्ग के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं मेरा ही नहीं आप सभी का पसंदीदा फोक सॉन्ग है। वेलकम। बिल्कुल, और इससे हम ये कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ अभी टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं, तो पधारो हमारे देश आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सबसे पहले जो गाया था, ये गाया था बीकानेर में जो जन्मी थी हमारी अल्लाह जिला बाई जी, जिनको मरु कोकिला और बाई जी के नाम से दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा गाना है जो हमारे राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है, जो यहाँ के शौर्य को दर्शाता है। जरूर, बहुत स्वागत। पालम आओ मेरे पधारो।
हाँ बिल्कुल, आज हम बात करेंगे, जैसा कि नया साल शुरू हुआ ही है तो सबसे पहले बात करेंगे, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल्फ मोटिवेशन की, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ अवेयरनेस। और सबसे शुरुआत मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन, वो है कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स, एंड वॉट इज दैट? यस दैट इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज, ईदर नॉट अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, बट रेदर अ लैक ऑफ विल। विल इज द विल पावर, कहते हैं कि ना इच्छा में है इतनी शक्ति। तो आपको सभी को ये बोलना चाहूँ कि नए साल की शुरुआत करते टाइम अपना जो विल पावर है उसको बहुत हाई लेवल पे रखिए। यारों जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू, है जुनू सा जीने में, है जुनू, है जुनू सा सीने में, है जुनू, है जुनू सा जीने में, है जुनू, है जुनू सा सीने में। ना 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 na 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 na। देखो है मंजर सजे सारे हमी, हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह, कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हमी, हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह। ये हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो। यारों अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला डरो। है जुनू, है जुनू सा जीने में, है जुनू, चमकेगी हंसी पुरानी तो कहो क्या कहोगे फिर हमें, कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की। कभी जो मिलेंगे रास्ते, पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी तो कहो क्या कहोगे फिर हमें, कैसे छुपाओ
जीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा है जुनू है जुनू सा जीने में है जुनू है जुनू सा सीने में है जुनू है जुनू सा जीने में है जुनू है जुनू सा सीने में है जुनू और इसी के लिए आप सभी के साथ कहते हैं ना कि साल की शुरुआत में ब्लेसिंग्स अगर मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है हमारा पूरा साल एक ब्लेस्ड फील हम करते हैं तो इसीलिए आपके लिए एक ब्लेसिंग्स से भरी प्रेयर आपको शेयर करूंगी लेकिन एडिट बन जाएगा ना दिक्कत तो नहीं होगी ना एडिट करने में इतना सा नहीं नहीं कर दूँगा आप यहाँ बैठिए और शॉप पे बैठिए ना